छिंदवाड़ा में संगीतकारों और कलाकारों ने कलेक्ट्रेट के बाहर अनोखा प्रदर्शन किया। कलाकारों ने संगीत के जरिए विरोध प्रदर्शन किया। कलाकारों का कहना है कि कोरोना के चलते कलाकार भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। कोरोना गाइडलाइन सिर्फ कलाकारों के लिए है। कोरोना के चलते कलाकारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, जिसको लेकर कलाकारों ने प्रदर्शन कर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के बावजूद कलाकारों के लिए अलग से नियम बना दिए गए हैं। कलाकारों ने कहा कि कोरोना क्या चुनाव में इतनी भीड़ से नहीं बढ़ रहा? क्या केवल कलाकार ही कोरोना फैला रहे हैं? कलाकार लगातार अपनी मांगों को लेकर 4 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आत्मदाह को मजबूर हो जाएंगे। कलाकार इस प्रदर्शन में गीत संगीत का सहारा ले रहे हैं। आपने मंडप में 100 लोगों की परमिशन दे दिया तो, और राजनीतिक अगर आप कार्यक्रम देखें तो उसमें तो दो दो ढाई ढाई हजार की संख्या में अभी सभाएं हो रही है उपचुनाव में, लेकिन क्या ये कलाकार ही कोरोना फैलाते हैं? ये कलाकार ही और ये साउंड सिस्टम वाले ही कोरोना फैलाते हैं? मांग पूरी नहीं होगी तो आत्महत्या करेंगे? जी सर। क्या बता, क्या सर, अगर हमारी मांगे अभी अगर पूरी नहीं हुई तो हमारे कलाकार अभी भूख हड़ताल नहीं छोड़ेंगे और आगे चल के हम आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।